इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशन द मर्सीफुल। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नियात रहम वाला है। ऑल इन वन फेमस चैनल के तोसस से शाहनवाज मरी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पहले शार्ट एंड के पहले लेसन में हमने द फर्स्ट सिक्स कंसोनेंट पढ़े थे, वो ये थे पी बी टी डी जे जे। ये पी, ये बी, ये टी, ये डी, ये जे, ये जे। पी लाइट स्ट्रोक था, बी हेवी स्ट्रोक था, टी लाइट स्ट्रोक था, डी हेवी स्ट्रोक था, जे इसकी प्रोनाउंसिएशन है जे, सी एच जे। ये लाइट स्ट्रोक था, ये जे हेवी स्ट्रोक था। अब हम इस वक्त ये वावल ए, वावल ए के बारे में आपको बताएंगे। वावल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स एंड डैशेस रिटन अलोंग द कंसोनेंट स्ट्रोक्स। वावल्स जो डॉट हैं और डैशेस हैं, ये वावल्स का आवाज़ दे रहे हैं। ये वावल ए, ये वावल ए, ये डॉट, ये डॉट, हेवी डॉट, ये वावल ए का साउंड देगा, वावल ए को इंडिकेट करेगा। और वावल्स, ये वावल के तीन किस्म हैं, वावल्स के बारे में हम आपको बताएंगे। वावल्स के तीन किस्म हैं, फर्स्ट प्लेस वावल, नंबर वन। ये नंबर सेकंड, सेकंड प्लेस वावल, नंबर थर्ड, ये थर्ड प्लेस वावल, थर्ड प्लेस वावल। फर्स्ट प्लेस वावल जो होगा, ये वावल के बारे में हम आपको बता रहे हैं थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए। फर्स्ट प्लेस वावल जो होगा, ये अबोव द लाइन, ये अबोव द लाइन, ये अबोव द लाइन आएगा। ये है फर्स्ट प्लेस वावल, ये अबोव द लाइन। मिसाल के तौर पर ये पी है, ये हम लाइन के ऊपर लिखेंगे, ये हो गया अबोव द लाइन, ये हमारा हुआ फर्स्ट प्लेस वावल। और सेकंड प्लेस वावल ये जिसके बारे में बता रहे हैं, ये ऑन द लाइन, ऑन द लाइन, ये होगा हमारा सेकंड प्लेस वावल। जैसे ये हमने पी ऊपर लिखा था लाइन के ऊपर, ये हमारा फर्स्ट प्लेस वावल था। और ये ऑन द लाइन, ये पी जो हम अगर लाइन पे लिखेंगे, लाइन पे लिखेंगे, ये होगा हमारा सेकंड प्लेस वावल। और नंबर थ्री, थर्ड प्लेस वावल, थर्ड प्लेस जो वावल होगा, ये हमारा होगा थ्रू द लाइन, थ्रू द लाइन, ये थ्रू द लाइन, इसको हम थ्रू द लाइन कहते हैं, ये थ्रू द लाइन, ये थ्रू द लाइन, ये हमारा होगा थर्ड प्लेस वावल। फर्स्ट प्लेस वावल यानी हम सबसे पहले आपको पहले बता चुके थे शार्ट एंड में टोले वावल्स हैं। ये देखें, ये टोले वावल्स, ये किताब पर हम बता रहे हैं आपको, ये टोले वावल्स, ये हम पहले आप बता चुके थे आपको, फोर डिप्थिंग्स हैं और 24 कंसोनेंट्स हैं। अब इस बारे में हम टोले वावल्स हैं, ये हम बता रहे हैं आपको इधर। ये जो फर्स्ट प्लेस वावल है, इसके भी चार, इसके भी चार वावल्स हैं, और सेकंड प्लेस में भी चार वावल्स हैं, और थर्ड प्लेस में भी चार वावल्स हैं, ये टोले वावल्स हैं। आज हम ये वावल ए के बारे में आपको बता रहे हैं। वावल आपको समझ में आ गया होगा। और जो है कंसोनेंट्स, कंसोनेंट्स मिसाल की बात, ये कंसोनेंट के बारे में बता रहे हैं। ये पेड, ये पी और डी, ये कंसोनेंट हो गया, ये ए को इंडिकेट करता है पेड, ये कंसोनेंट हो गया। और इसके बाद जैसे कि देखें आप पेन, ये पी और एन का होकर, ये कंसोनेंट हो गया, पी और एन कंसोनेंट हो गया, ये कंसोनेंट हो गया। ये कंसोनेंट के बारे में आपको क्लियर हो गया है। वावल्स के बारे में आपको क्लियर हो गया है। स्ट्रोक्स बारे में, ये स्ट्रोक हो गया, ये देखें ये पेड, ये स्ट्रोक्स हो गया, ये पेन, ये स्ट्रोक्स हो गया। कॉन्सोनेंट्स पी और बी टी डी, ये कॉन्सोनेंट्स हैं, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। और अभी हम चलते हैं, आपको वावल्स ए के बारे में बताएंगे आपको। वावल्स ए, वावल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स एंड डैशेस रिटन अलॉन्ग द
कंसोनेंट स्ट्रोक्स जो डॉट्स हैं और डैश्स हैं ये हमें वावल्स को इंडिकेट करेंगे। व्हेन वावल कम्स बिफोर कंसोनेंट्स, अगर कंसोनेंट से पहले वावल आ जाए तो हम पहले देंगे। इट इज़ प्लेस्ड बिफोर द स्ट्रोक लेफ्ट साइड। व्हेन वावल कम्स आफ्टर कंसोनेंट्स इट इज़ प्लेस्ड आफ्टर द स्ट्रोक। ये हम अभी आपको समझा रहे हैं, ये इधर देखें आप, जैसे ये स्ट्रोक कंसोनेंट्स है हमारा पी है, पी है पी। अगर वावल पहले आएगा, मिसाल की बात एप, एप ये ए हम पहले देंगे कि ये कंसोनेंट से पहले देंगे हम, ये हमारा एप हो जाएगा। और अगर वावल बाद में आएगा ये पी के बाद, अगर पे ये पी के बाद हम ये देंगे ये पे हो जाएगा, ये आफ्टर द कंसोनेंट ये आ जाएगा वावल। अब ये इधर देखें, द लॉन्ग वावल ए इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ हेवी डॉट। ये हमारा सेकंड प्लेस वावल है, ये जो ये हेवी डॉट होगा ये हमें लॉन्ग ए वावल ए का ए को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम आपको बता रहे हैं ये एप, एप ये पी, पी से पहले ये डॉट एप, ये एप। इसको आप कम से कम 3 से 4 पेज आप लिखें, जब आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको रिमेंबर हो जाएगा और आपको ये याद हो जाएगा। और एप के बाद ये है पे, पी ए वाई पे, ये पे, ये पी हमारा पहले पढ़ चुके हैं हम, ये लाइट स्ट्रोक, उसके बाद हम एक देंगे ये पे, ये देखें ये पे, ये पे। उसके बाद ये है एब, ये बी, बी से पहले हम देंगे हेवी डॉट, ये एक इंडिकेट करेगा ये एब। ये सेकंड प्लेस वावल है, सेकंड प्लेस वावल हमेशा ऑन द लाइन यानी लाइन पर आता है, ये ऊपर से शुरू करेंगे लाइन पर बी आ जाएगा ये एब। उसके बाद है बे, ये बी ए वाई, ये बे, बी के बाद हमने ये स्ट्रोक दिया है बे, ये बे, ये बे, ये इसको आप कम से कम 3 से 4 पेज लिखें। ये इसका तरीका है याद करने का, ये मेमोराइज करने का, शॉर्ट हैंड बिल्कुल आसान है, ये आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको याद हो जाएगा और इंशाल्लाह आप इस पर ग्रिप हासिल कर लेंगे और आपको फिर कोई मुश्किल नहीं आएगी। शॉर्ट हैंड में बड़ी वैकेंसी आती हैं, इंशाल्लाह जो है ना आप सेलेक्ट हो जाएंगे एज स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी, ईजीली आप हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये आपने बे पढ़ लिया है और बे के बाद एट, ये एट है, ये हम एट इधर लिखेंगे आप समझाएंगे, ये एट, ये टी, टी से पहले हमने ए को हेवी स्ट्रोक दे दिया ये एट हो गया, ये एट हो गया। ये उसके बाद है एड, ये डी हेवी स्ट्रोक है, डी से पहले हमने एट देंगे क्योंकि एक वावल ए को इंडिकेट कर रहा है ये हेवी डॉट, ये एड। उसके बाद ये डे, ये डी के बाद ए, डे, डे। उसके बाद ये एज, ये शॉर्ट एंड हमेशा हमेशा आवाज़ों पर मुश्तमिल होता है, ये एज, ये देखें एज, ए जी ई, स्पेलिंग में तो ए जी जी आ रहा है ए, और वैसे एज शॉर्ट एंड हमेशा आवाज़ों पर मुश्तमिल है, साउंड पर मुश्तमिल है, स्पेलिंग पर मुश्तमिल नहीं है, इसलिए एज ये साउंड एज जे का आ रहा है तो इसलिए हमने जे लिखा, जे से पहले हमने ये ए बी स्ट्रोक लगा दिया एज, ये जे 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 से पहले हमने भी स्ट्रोक लगा दिया ये एज, ये एज हो गया। आज हमने आपको वावल ए के बारे में बताया है सेकंड लेसन में, इंशाल्लाह थर्ड लेसन में हम आपको फिर आगे चलेंगे। तब तक शानवाब मरी को खुदा हाफिज़।